म्यूजिक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कनिका को साड़ी का बहुत शौक होता है, इसलिए वो शादी से पहले ही साड़ी पहनना शुरू कर देती है। कनिका की माँ कनिका की शादी के लिए एक लड़का देख रही होती है और एक शिवम नाम का अच्छे घर का लड़का मिलते ही घर वालों की आपसी सहमति से शादी कर देती है। शादी के बाद कनिका बहुत खुश होती है, लेकिन खुशी का कारण उसकी शादी नहीं बल्कि उसके पति शिवम की साड़ी की दुकान थी। ऐसे ही एक दिन शिवम अपनी दुकान के लिए जा रहा होता है, तभी कनिका शिवम को आवाज लगाकर बोलती है, अरे सुनिए तो, हमारी शादी को आज एक हफ्ता हो गया है, लेकिन आपने मुझे एक भी नई साड़ी ला करने दी। आज शाम को आते हुए साड़ी ले आना याद से। अरे तुम्हें शादी में इतनी सारी साड़ियाँ मिली थी, पहले उसे तो खत्म कर लो, फिर मैं और ले आऊँगा। वैसे भी तुम्हारे अलावा घर में है ही कौन जिसे साड़ियाँ चाहिए हो? मैं हूँ ना घर में, तो वही बहुत है। आप मेरे लिए साड़ी ले आओ, मुझे नहीं पता। और हाँ, अच्छी सी लेकर आना, ये नहीं कि घर की ही बात है तो कुछ भी उठा लाओगे। यही तो बोल रहा हूँ मैं, तुम्हें घर पर ही तो रहना होता है, और यहाँ तो ना ही तुम्हारी सास है और ना ही ससुर, तो तुम घर पर सूट भी तो पहन सकती हो ना, कोई मना थोड़ी है तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे लिए सूट ही ले आऊँगा, तुम पर सूट अच्छा भी लगेगा, है ना? सही बोल रहा हूँ ना मैं? नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हो। जब मुझे सूट पसंद ही नहीं है तो मैं क्या सूट का अचार डालूंगी? मैं तो शादी से पहले भी मायके में साड़ी ही पहनती थी। जब आप मुझे देखने आए थे तब भी तो साड़ी पहन कर आई थी मैं। मुझे साड़ी ही पसंद है, इसलिए चाहे घर रहूं या बाहर, लेकिन मुझे साड़ी ही चाहिए। लेकिन अभी तो दुकान का माल वैसे भी खत्म होने को है। एक काम करूंगा, जब मैं दुकान के लिए और नई साड़ी लेने जाऊंगा ना, तो तुम्हारे लिए भी ले आऊंगा। आपसे अभी तो बोला मुझे आज ही चाहिए, अब क्या आप अपनी बीवी की इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते हो? मना कहाँ किया है मैंने, मैं तो बस इतना बोल रहा हूँ, थोड़ा रुक जाओ, मैं फिर ले आऊँगा। मुझसे रुका ही तो नहीं जा रहा है, प्लीज ना ले आइए मेरे लिए साड़ी। अच्छा ठीक है, तुम मुंह मत बनाओ, मैं आते समय ले आऊँगा तुम्हारे लिए साड़ी। अब तो खुश हो ना, या अब भी मुंह बनाना है? ये हुई ना बात, अच्छा अब जाओ दुकान पर, जाने के लिए लेट नहीं हो रहा है आपको? कनिका शिवम को साड़ी के लिए मना लेती है, और जैसे ही शिवम साड़ी के लिए हाँ करता है तो वो उसे दुकान पर भेज देती है। कनिका बहुत खुश थी, क्योंकि अब उसे कोई भी साड़ी लेनी होती है तो वो शिवम से ही मंगवाया करती थी। शाम को शिवम साड़ी लाकर कनिका को दे देता है। कुछ दिनों तक कनिका बहुत खुश होती है। कुछ दिनों बाद शिवम अपनी दुकान के लिए बहुत सारी साड़ी लाकर घर में ही रख देता है, और इतनी सारी साड़ी देखकर कनिका शिवम से बोलती है, आप दुनिया के सबसे अच्छे पति हो, मैंने आपसे एक बार बोला था कि मुझे साड़ियाँ पसंद है, और आपने इतनी सारी साड़ियाँ लाकर घर में रख दी। अरे नहीं, तुम गलत समझ रही हो, ये तो सारी साड़ियाँ दुकान के लिए हैं, लेट हो रहा था मैं तो, मैंने सोचा आज घर पे ही रख देता हूँ, कल दुकान में सेट करवा दूंगा। मतलब इनमें से एक भी साड़ी मेरे लिए नहीं है? नहीं। जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, जब पता है मुझे साड़ियाँ कितनी पसंद है तो घर पर लाने की क्या जरूरत थी। अभी तुम्हारे लिए नई साड़ी लाए हुए एक महीना भी नहीं हुआ है, और तुमको फिर से नई साड़ी चाहिए, थोड़ा तो सोचो मेरे काम में, नुकसान होगा ना। ये तो आपको घर में साड़ी लाने से पहले सोचना चाहिए था ना, अब घर में लाए हो तो अपनी बीवी की फरमाइश पूरी कर लो, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी। अब सोच लो क्या करना है। ठीक है, तुम्हें जो भी पसंद हो ले लेना इनमें से, और मुझे बता देना कि तुमने कौन सी ली है। इसी तरह कनिका की साड़ी का लालच बढ़ता ही जा रहा था, और वो आए दिन हमेशा नई नई साड़ियाँ ही लिया करती थी, और जब भी शिवम उसे साड़ी लाने से मना करता तो वो मुंह बना लेती थी, तो थक कर शिवम को साड़ी देनी ही पड़ती है। कुछ दिनों बाद शिवम अपनी दुकान पर बैठा होता है कि तभी वहाँ उसकी पड़ोसन महिमा आती है, और वो शिवम से साड़ी दिखाने को बोलती है। काफी देर तक शिवम उसे साड़ी दिखाता रहता है, लेकिन एक भी साड़ी महिमा को अच्छी नहीं लगती है, और वो शिवम से बोलती है, क्या भाई साहब, आप क्या सारी साड़ी अपनी बीवी को ही दोगे? आपने दुकान में एक भी अच्छी साड़ी नहीं रखी है। अरे नहीं बहन जी, आप रुकिए, मैं आपको और साड़ी दिखाता हूँ, वो तो आपको अच्छी लगेगी। इतनी साड़ी तो देख ही ली, लेकिन एक भी अच्छी नहीं लगी। आप अपनी बीवी को ही दोगे सब साड़ी, तो दुकान के लिए बचा ही क्या है। क्या बहन जी, आप भी ना, आप ये बताइए आपको साड़ी चाहिए कैसी, मैं आपके लिए वही साड़ी लेकर आता हूँ। मुझे बिल्कुल प्लेन साड़ी चाहिए, जिसका बस पतला सा बॉर्डर हो। अरे बहन जी, आपको पहले बताना चाहिए था ना, ये साड़ी तो रखी है मेरे पास, लेकिन लग रहा है जैसे आपके लिए ही रखी है, क्योंकि एक आखिरी बची है, आप रुकिए मैं अभी लेकर आता हूँ। शिवम महिमा के लिए साड़ी लेने जाता है, और साड़ी ला कर महिमा को दिखाता है। महिमा को भी वो साड़ी बहुत अच्छी लगती है,
और वो उसे लेने लगती है। कितने में कनिका शिवम के लिए खाना लेकर आती है और उसकी नजर उसी साड़ी पर पड़ती है और उसे भी वो बहुत अच्छी लगती है और वो बोलने लगती है, अरे आपने इतनी अच्छी साड़ी क्या मुझसे छुपा रखी थी? आज से पहले तो कभी नहीं देखी, मुझे कितनी अच्छी लग रही है ये वाली मैं ले रही हूँ, ठीक है ना? अरे कनिका भाभी सॉरी, लेकिन ये साड़ी मैं ले चुकी हूँ और वैसे भी ये आपकी ही दुकान है, आप कोई और सी पसंद कर लो। अरे तुम्हारा ये साड़ी को लेकर भूत कब उतरेगा? ये दुकान है, यहाँ मुझे शांति से काम करने दो। नहीं मुझे ये वाली साड़ी दो तभी मैं काम करने दूंगी, वरना मैं यही बैठ जाऊंगी। ये क्या बोल रही हो, उन्होंने ये साड़ी ले लिया है और बदतमीजी मत करो, जाओ घर जाओ, मैं तुमसे घर आकर बात करता हूँ। और बहन जी आपका ये रहा बिल। यहाँ तुम्हारी पत्नी कुछ बोल रही है, आपको उसकी नहीं पड़ी है, लेकिन ये पड़ोसनों ने जो साड़ी ले ली है उसका बहुत ख्याल है। रखो अपनी साड़ी, मुझे बात ही नहीं करनी, बड़े आए। अरे गुस्सा क्यों हो रही हो, ये लो, कोई नहीं मैं दूसरी ले लूंगी। नहीं बहन जी, आपने ये साड़ी ले ली है तो ये आपकी हुई और वैसे भी कनिका का कभी साड़ी से पेट नहीं भरने वाला। महिमा वहाँ से वो साड़ी लेकर चली जाती है और ये देखकर कनिका को बहुत गुस्सा आता है और वो भी घर आ जाती है और उसके बाद कभी शिवम से साड़ी नहीं मांगती है, लेकिन उसका साड़ी को लेकर लालच खत्म ही नहीं होता है और अब वो बिना बताए ही शिवम की दुकान से साड़ियाँ चोरी कर लेती है। रोज रोज साड़ी का गायब होना शिवम को बहुत परेशान करता है। एक दिन शिवम घर आकर कनिका से बोलता है, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, वैसे ही अब बिक्री नहीं हो रही थी लेकिन अब तो साड़ी भी चोरी होने लगी, दुकान का किराया भी नहीं निकल रहा है। मुझे क्या पता, आप जानो और आपकी दुकान ये सब, मुझे कुछ नहीं पता। शिवम को कनिका पर शक तो होता है लेकिन वो बिना सबूत के कुछ नहीं बोलता है और एक रात चुपके से कनिका फिर से दुकान में साड़ी चुराने के लिए जा ही रही होती है, लेकिन इस बार उसके पीछे शिवम भी जाता है और उसे साड़ी चोरी करता पकड़ लेता है और कनिका से बोलता है, मुझे लग ही रहा था इन सब चोरी के पीछे तुम्हारा ही हाथ है, तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी साड़ियों के लालच के पीछे अपने पति का ही नुकसान करवाते हुए? जब आप साड़ी दोगे ही नहीं तो मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा मतलब मैं तुम्हें साड़ी नहीं देता हूँ, तो ठीक है आज तक तुमने जितनी भी साड़ी ली है ना अब उसमें ही रहना, क्योंकि मैं तो दुकान बंद कर रहा हूँ और कोई दूसरा काम करूँगा अब। लेकिन आप मेरी वजह से अपनी दुकान क्यों बंद कर रहे हैं? आप शुरू से ये काम करते आए हो तो अब क्यों बंद कर रहे हो? क्योंकि अब भी दुकान रही तो तुम्हारा लालच और बढ़ता रहेगा, इससे अच्छा मैं दुकान ही बंद कर दूं। नहीं आप ये मत करिए, मेरी गलती की सजा दुकान को मत दीजिए, इससे ही तो हमारा घर चलता है। ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब मैं कभी साड़ी को लेकर लालच नहीं करूंगी। मैंने तो बोला ही नहीं तुम्हें जो करना है करो, लेकिन अब ये दुकान बंद ही होगी। मुझे माफ कर दो, सच में मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, आगे से कभी नहीं होगा। कनिका को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी भी मांगती है, शिवम की बीवी थी इसलिए शिवम उसे माफ कर देता है, लेकिन अपनी साड़ी की दुकान भी बंद कर देता है ताकि आगे कभी उसका लालच ना बढ़े। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।